बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जिए भुट्टो। आज मैं उमरकोट के आवाम को मुबारकबाद देने आया हूँ। उमरकोट के आवाम ने उमरकोट के बहादुर और गयूर आवाम ने इस्लामाबाद को एक साफ पैगाम भेज दिया है। आपने उमरकोट के आवाम ने सेलेक्टेड को रिजेक्टेड कर दिया है। उमरकोट के आवाम ने कठपुतली को भगा दिया है। उमरकोट के आवाम ने उन सारे ताकतों को जो आवाम दुश्मन ताकत है, जो जमहूर दुश्मन ताकत है, जो गरीब दुश्मन ताकत है, इन सब को जवाब दे दिया है। आपने उन पीरों को जवाब दे दिया है जो ठेके पे एस्टैब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। आपने उन्हें बता दिया है के उमरकोट में ना पीर का ना मीर का वोट, सिर्फ तीर का वोट बेनजीर। आपने उन सियासी यतीमों उन सियासी यतीमों का टोला जो कल मुशर्रफ के साथ खड़े थे और आज इमरान के साथ खड़े हैं, उन सबको दो दो बार भगा दिया है। आपने तो डिप्लो से भी भगा दिया और उमरकोट ने दो दफा शिकस्त कर दिया। अब एक थर में एक आखिरी नेशनल असेंबली का बाय इलेक्शन आ रहा है, वहां से भी हमने इसको भगाना। मेरे उमरकोट के आवाम ने हमेशा जमहूरियत के साथ दिया है। उमरकोट के आवाम ने चाहे वो MRD का जिदोजहद हो या ARD का जिदोजहद हो, आपने सफे अव्वल का किरदार अदा किया है। आपने इस मुल्क के अवाम की जमहूरी हकूक के लिए, इंसानी हकूक के लिए और मुआशी हकूक के लिए हमेशा जिदोजहद किया है। और अब आपने एक आखिरी जिदोजहद करना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ देना पड़ेगा। आपने उमरकोट से ये सिलेक्टेड निजाम भगा दिया है, अब आपको पूरा पाकिस्तान से इनको भगाना पड़ेगा। आप जानते हो कि ये धांधली करके हुकूमत बनाए हैं।
आप जानते हो कि इन्होंने आपके वोट पे डाका डाल के इसको वजीर आजम बनाया है। ये नाजायज वजीर आजम है, ना लायक वजीर आजम है, ना अहल वजीर आजम है। दो साल के अंदर ही अंदर इस शख्स ने इस मुल्क के गरीब आवाम का जीना हराम कर दिया है। महंगाई की सुनामी में हमारा मजदूर, हमारा किसान मर रहे हैं। अगर ये हुकूमत को हम घर नहीं बेच देंगे तो फिर अवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको कौन रोकेगा। हम जानते हैं कि जब अवामी हुकूमत होता है, जब अवाम की वोटों की वजह से हुकूमत बनती है, तो फिर वो हुकूमत अवाम का मसाइल भी हल करती है, अवाम की खिदमत करती है। मगर वो लोग जो किसी और के इशारे पे हुकूमत बनाते हैं, तो फिर वो उनकी तरफ देखते ही रहते हैं और अवाम को भूल जाते हैं। आपको पता है कि आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉरेन फंडिंग केस का, पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। आपको पता है कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया, हमारा हुकूमतों को खत्म कर दिया गया। और ये लोग जिनको इन्होंने हुकूमत दिलवा दी गई है, ये तो फॉरेन फंडिंग से आए हैं। इनके लिए पैसा भारत और इजराइल से आए हैं। हर पाकिस्तानी ये सवाल कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग क्यों हो रहा है। ये कौन इजराइल और भारत का शहरी है जो इमरान खान को पैसा देते रहे? क्या इन दो सालों में इन लोगों के लिए कोई फायदा करवा दे दिया गया? आज पाकिस्तान के सारे जमहूरी को तो इस्लामाबाद के इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़ा है, पाकिस्तान के अवाम का सवाल लेकर इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा, इस अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि ये तो ना सिर्फ कठपुतली है, ये ना सिर्फ सिलेक्टेड है, ये तो स्पॉन्सर्ड भी है। ये जो करप्शन का शोर करता था, जगह जगह जाके करप्ट करप्ट का रोना रोता था, खुद ही करप्ट निकला, पूरा का पूरा जमात करप्ट निकला, आज तक वो जवाब नहीं दे सके, आज तक वो जवाब नहीं दे सके कि अमेरिका में सिलाई मशीन्स बेचते बेचते इमरान खान की बहन के इमराते कैसे मिले। आज तक वो जवाब नहीं दे सके कि केपी में पूरा मुल्क में महंगा तरीन मेट्रो बस चल रहा है, सबसे महंगा मेट्रो बस चल रहा है, मगर वहां उनका बसे अज खुद जलते हैं, आग लगता है, अवाम को निकल के बसे को धक्का देने पड़ते हैं चलाने के लिए, मगर कोई उसका करप्शन का हिसाब नहीं देता है। हमारा आटा चोरी का करप्शन, चीनी चोरी का करप्शन, आज तक पाकिस्तान के अवाम को कोई जवाब नहीं मिला है। हम
इंसाफ मांगते हैं, हम मुतालबा करते हैं कि इसको पुतली को इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना उमरकोट के अवाम इस्लामाबाद पहुंच गए उससे अपना इस्तीफा छीनने। साथियों, अली मर्दान शाह साहब ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया था, हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ दिया था और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन के साथ दिया था। और अब हम सब यही उम्मीद अमीर अली शाह साहब से करते हैं कि वो अपना वालिद की तरह उमरकोट के गरीब अवाम का ख्याल रखेंगे, इनका मुश्किल वक्त में इनका साथ देंगे, इनका दुख में उनके साथ देंगे और उनका खुशी में उनके साथ देंगे। इंशाल्लाह ताला हम दिन रात मेहनत करेंगे कि यहाँ के गरीब अवाम का खिदमत करें, यहाँ के गरीब अवाम की खिदमत करने के लिए, यहाँ के गरीब अवाम के मसाइल दूर करने के लिए हमें सब मिलकर इस गैर जमहूरी हुकूमत को घर बेचना पड़ेगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जैसे आप हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिए हो, जैसे आपने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ दिया था, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ दिया था, वैसे ही इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ देंगे, आप हमारे साथ देंगे। अगर आप हमारे साथ हो तो इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जिए भुट्टो। जिए भुट्टो। तमाम आयल बरकरन ओहदेदारन की जी मेहरबानी। चेयरमैन साहब हाँ खैर अफियत साहब इंशाल्लाह रवाना थियन था।